everyone, welcome back to my channel. Swagat hai aap sabka mere channel mein. In today's video, I'm going to review a product which is super convenient for all the busy girls out there and also for all the girls who don't like to use a hair oil. But review start karne se pehle, I would like to tell you ki abhi tak agar aap logon ne mera channel subscribe nahi kiya hai, then please take a moment and subscribe my channel. And also hit the bell icon so that whenever I will come up with new content, you will get the notification. And also guys, I would be very glad if you subscribe to my website, link is mentioned in the description below. Or aap log Google mein search kar sakte ho, ya phir Safari mein you can search it. That is twilightqueenbee.com. That is my own website jahan pe main products ka review and different blogs post karti rahungi. Now without wasting any further time, let's get started. So we know that the traditional champi method is the most convenient method and the most important ritual for our hair care routine. But because of time, बहुत लोग टाइम नहीं दे पाता है क्योंकि जब हम लोग हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप इट फॉर मोर देन एन आवर या समटाइम्स ओवर नाइट फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन ये है जो लोग कॉलेज जाते हैं स्कूल में जा रहे हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर वर्किंग वुमेन काफी हेक्टिक स्केड्यूल बन जाता है एंड वो लोग को टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है टू टेक केयर ऑफ देयर हेयर until and unless you are very dedicated for your hair care routine. This is the second reason. Now the third reason क्या है कि बहुत लोगों को हेयर ऑयल से हेडेक होता है लाइक जिन लोगों को माइग्रेन का इशू है जिन लोगों को हेडेक हो जाता है बहुत इजीली या साइनस का प्रॉब्लम है उन लोगों को हेयर ऑयल से भी इश्यूज रहता है नाउ द फोर्थ रीजन ये है कि बहुत लोगों का जो स्कैल्प है ऑयली होता है या ऑन द अदर हैंड दे डू हैव डैंड्रफ सो फॉर दोज हु आर हैविंग डैंड्रफ और ऑयली स्कैल्प इट इज रियली नॉट सजेस्टेड टू यूज अ हेयर ऑयल सो व्हाट दे कैन डू दे कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोडक्ट सो दिस इज पैराशूट एडवांस्ड कोकोनट क्रीम ऑयल फॉर योर हेयर एंड ऑल्सो इट इज प्री वॉश हेयर नॉरिशर आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माई चाइल्ड हुड डेज मैं पैराशूट हेयर ऑयल सबसे ज्यादा यूज करती थी एंड एक्चुअली वही मैं यूज करती थी दैट इज ओनली द मोस्ट ट्रस्टेड कोकोनट ऑयल इसके अलावा आई थिंक शालीमार कोकोनट ऑयल भी यूज करती थी बट वो काफी रेयर होता था मैक्सिमम मेरे घर पे पैराशूट हेयर ऑयल ही आता था सो यस दैट्स वाई आई thought why not to try the most trusted brand whenever it is about hair care products I'm very excited to use this product why because this one is 100% natural oil and saath mein yahan pe mention kiya hua hai that it is a blend of coconut oil as well as coconut milk which is really cool for our hair I know in my previous videos maine kafi strongly recommend kiya tha to use a hair oil main abhi bhi is video mein bhi bol rahi hu that no matter you do aap shampoo karte ho condition ki jagah aap hair mask use kar rahe ho or you are doing hair spa month mein ek baar ya do baar it doesn't matter because ultimately aapke hair care routine mein sabse important product hai hair oil a virgin coconut hair oil ya bhringraj hair oil any kind of hair oil but I know ये हेयर ऑयल लगाने का प्रोसेस होता है ओवरनाइट रखना पड़ता है सबके पास उतना टाइम नहीं है सो व्हाट टू डू सो आई कम अप विद दिस प्रोडक्ट सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ऐड दिस प्रोडक्ट इन माई हेयर केयर रूटीन और इसको मैं वीक में एक बार यूज करती हूँ वीक में मैं दो बार शैम्पू करती हूँ और आई गेस थ्री टाइम्स आई मेक श्योर कि आई एम अप्लाइंग अ हेयर ऑयल टू माई रूट्स एंड देन आई मेक श्योर कि जो सेकेंड शैम्पू जब मैं करूँ उससे पहले मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज करूँ और समटाइम्स मुझे अगर टाइम नहीं मिला टू यूज माई हेयर ऑयल तब मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ पैराशूट इज लिटिल बिट लेट इन केस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हेयर क्रीम ऑयल क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी बाकी कुछ ब्रांड्स अपने खुद के प्रोडक्ट को लेके आए हैं दैट इज हेयर रिप्लेसमेंट ऑयल जैसे कि लोरियल गार्नियर एंड ऑल्सो पैंटी इफ आई टॉक अबाउट द पैकेजिंग आई रियली लव देयर पैकेजिंग इट कम्स विद अ पंप व्हिच इज रियली कन्वीनियंट
बट लोग जानते हैं हर चीज का प्रो होता है, हर चीज का कॉन होता है. इसके साथ पंप आया है विच इज रियली इजी फॉर अस टू जस्ट पंप, टेक इट इन आवर हैंड एंड अप्लाई. बट ऑन द अदर साइड दिस इज रियली नॉट ट्रैवल फ्रेंडली. If I talk about the price, इसका price है 120 rupees and ये है 150 ml. यहाँ पे already direction mention किया हुआ है. It's a very easy process. It's a 3-step procedure, nothing else. यहाँ पे उन लोगों ने क्या क्या claim किया, let's see. They already claim that this is super quick absorption. I agree. It is a totally super quick absorption. The moment aap hair mein apply karoge, ye immediately absorb ho jayega and it is not going to make your hair very greasy. Now the second is light velvety texture. Definitely it does have light velvety texture. Now pleasing fragrance. Oh yes, I love the fragrance. But mujhe pata hai because few of my friends, few of my cousins don't like the smell of coconut. But I personally love the smell of coconut. Is product mein kaafi strong coconut smell nahi hai. It does have a very mild coconut smell. So yeah, if you don't like coconut smell, कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो. इसमें काफी माइल्ड स्मेल है एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, ट्रस्ट मी. Talk about how to use this product. आप इसको कितने तरीके से यूज कर सकते हो, then I can say in two ways. The first जो method है जो मैं use करती हूँ वो before shampoo करने से पहले I apply it, I keep it for 30 minutes, that's it. I'm done with it. And दूसरा जो method है जो मैं prefer नहीं करती हूँ, that is after shampoo also you can use it as a serum or as a protection. मतलब आपको अगर sunlight में जाना है and you want to protect your hair color or hair from the sunlight UV rays, so you can use it. But I don't like it क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा भी use करती हूँ. मतलब if I apply a little bit on my hair, then I guess it does make my hair a little bit greasy. और मैं इसको ज़्यादा use करती हूँ तो ये काफी oily हो जाता है. So yes, I am not going to recommend you all guys to go for the second method, but yes, you should go for the first method. So guys, I am going to show you how I apply this coconut cream, and as you can see, the texture is lightweight, creamy, but not heavy or oily, and it does have a tint of yellow color. So now, as you can see, I am going to untie my hair and also I am going to divide my hair into two equal parts. After dividing my hair into two parts, मैं एक साइड को कॉम करूंगी और क्लचर से क्लिप अप कर लूंगी. देन नेक्स्ट साइड को कॉम करने के बाद उसको तीन हिस्सों में मैं डिवाइड करने वाली हूँ, लोअर, मिडिल एंड अपर पार्ट. इन दिस वे यू कैन प्रॉपरली अप्लाई द क्रीम ऑयल. And as you can see that after applying every time I'm combing my hair. This is because the moment aap apna hair comb karte ho, cream apply karne ke baad properly distribute hota hai. I really like how it makes my hair manageable and frizz free. On my hair it doesn't add much of a shine, which I really don't like because I really love shiny hair. But yes, the softness definitely is a big achievement. My hair texture looks better and I see less breakage. And if I talk about the effect lasts 2-3 days after shampooing. So maine apne hair mein completely apply kar liya hai and now I'm going to tie up my hair and wait for good 20-30 minutes. So yes, maine shampoo kar liya hai and this is the effect which I always get after doing shampoo. To maine sirf shampoo kiya hai. You can use any mild shampoo. And after that, मैंने कंडीशन किया है क्योंकि मेरा मास्क खत्म हो गया है एंड इन दिस लॉकडाउन आई जस्ट कांट गो आउट. ऑलराइट, एंड मैंने अभी तक सीरम यूज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे मैंने यूज किया है टू मेंटेन माय फ्रंट बैक. क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं कहा है कि इस हेयर स्टाइल का कौन भी हो सकता है. ट्रस्ट मी गाइस, नो वन टोल्ड मी कि व्हेन यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ हेयर स्टाइल यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. इसको बहुत केयर की जरूरत होता है, इसको बहुत प्यार की जरूरत होता है, इसको
बहुत अटेंशन की जरूरत होता है. यू नो व्हाई? क्योंकि जब मैं सो के उठती हूँ या फिर मैंने इसको स्ट्रेट नहीं किया होगा, दिस वन विल बी लाइक, you're not supposed to be like this, you're supposed to be like this. So yes, maine sirf yahan pe sirf use kiya hai and maine is part ko thoda sa straighten up kiya hai. That's it. So now if I talk about the pros and cons of this product, first, this one is very easy to use. Second, it is really affordable. 120 rupees for 150 ml, really affordable. Third, ye kaafi time tak जाने वाला है. आप इसको अगर वीक में एक बार यूज करोगे या दो बार यूज करोगे, आई थिंक इट विल गो फॉर टू मंथ्स. बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ. अगर आपका हेयर लेंथ बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, अगर ज्यादा लंबा है, देन आई डोंट थिंक दो महीना जाएगा, मे बी वन मंथ. और आपका हेयर लेंथ शॉर्ट है तो आई थिंक इट विल एक्सीड मोर देन टू मंथ. No oiliness and no greasiness if you apply this one before shampoo. It does make my hair very soft and smooth. It doesn't leave any trace behind. मतलब आप शैम्पू कर लेते हो आपका, if you, बहुत लोग शैम्पू में one wash में they feel good, बहुत लोग दो wash में they feel good, but शैम्पू की first wash में इसका सारा trace चला जाता है. आप oily या greasiness feel नहीं करोगे. And also, it makes your hair manageable. But I would like to say, उतना भी manageable नहीं होता है. So I would like to suggest you कि आप अगर बाहर निकलते हो, तो apply a mild serum. थोड़ा सा serum आप apply करके निकलोगे घर से बाहर, then I feel it will be even more manageable. Now, if I talk about the cons, it has only 3 cons according to me. One is really not travel friendly because of this pump, and second one is this product is a blend of coconut oil as well as coconut milk, but it is also a blend of alcohol and paraben. Alcohol and paraben aapke hair scalp ke liye bilkul bhi acha nahi hai. So let me tell you guys, if you're investing in this product and if you're going to use this product, don't apply this product on your scalp, because alcohol and parabens are not at all good for your hair scalp. The moment you're going to apply on your scalp, it will penetrate into the roots and it is not good for you. Third con about this product is it does not add much shine. तो ये ज़्यादा आपके हेयर में शाइन ऐड नहीं करेगा. See, my hair is really not that shiny. ये ज़्यादा बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है. Usually मैं जो अपना हेयर प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो शाइन करता है, but and the fourth con is after doing shampoo, don't use it. It will definitely going to ruin it. It will make your hair greasy. अब थोड़ा सा भी यूज़ कर लोगे फिर भी ग्रीजी लगेगा, एटलीस्ट मुझे लगता है. आई डोंट नो, आप ट्राई करके देख सकते हो, बट मेरे हेयर में इट बिकम्स वेरी ग्रीजी. सो आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट इट. मुझे इतना ही बोलना था अबाउट दिस प्रोडक्ट. अगर आप मुझसे ये पूछोगे दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू अस, देन आई एम गोइंग टू से दैट यस, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट. बस आज के लिए इतना ही. दिस इज आई थिंक मैंने सारा कवर अप कर लिया. मुझे जो भी शेयर करना था, माई एक्सपीरियंस, माई रिव्यूज, माई डेमो, एवरीथिंग आई शेयर विद यू गाइस. But last but not the least, if you're going to ask me that, are you going to recommend this? Are you going to repurchase this? I'm going to say yes, I'm going to repurchase this. And also, I'm going to recommend this one to you all guys. आप लोग एक बार try करके देख सकते हो, because it's really inexpensive. If you really enjoy this video, then don't forget to give a big thumbs up. Do like my videos and also subscribe my channel. Come on, yeah, subscription free hota hai, then do subscribe my channel and do hit the notification bell icon. And see you soon in my next video. Till then, take care, stay safe, stay home, and I love you guys. Bye bye.